तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 सेतु कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और इन सब का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा, आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी तक हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो बराबर पहुँचते रहे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा की आपके संस्कृत विषय के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को और उन सभी के आंसर्स को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम एक पद वाले उत्तरों को देख प्रश्नों को देख लेते हैं और इनके उत्तरों को भी देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर आपको कैसे देने हैं यहाँ से हम देखते हैं और समझते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है कवि काम संबोधियति, उसके बाद में स्वर्ण काका कान अखादियत, कुंभकारा घटान किमर्थ रचयिता। तो यहाँ से आप सब लोग पहले इन प्रश्नों को देख ले सभी के सभी और इसके बाद में फिर मैं आपको इन सभी के उत्तर एक ही साथ में बताता हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग पास होना चाहते हो तो कम से कम इन 22 क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लें क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम है। और देखो, यहाँ पर आप सब लोग इनके उत्तरों को नोट कर लेंगे, ये सभी के सभी के इनके उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कुछ के उत्तर ये लिखे हैं और कुछ जो बच गए थे उनके उत्तर ये लिखे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान देख लें। जोड़ी के मिलान में प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपसे जोड़ी पूछी जाती है। देखो, यहाँ पर मैंने आपको 12 बताई है, 12 में से कोई भी आपको 6 देखने को वहाँ पर परीक्षा में मिल सकती है। तो इसके अलावा देखो, ये इसके आंसर होंगे कुल क्राम ग्रता, कल्पतरु, दानवीरा, जीमुतवानम, इतिहासी भी, मंत्री भी, अनस्वर, परोपकारा, अश्वाद्यो नाद्या, गुणयुक्तम दरिद्रा। इस प्रकार से आप सब लोग इसके जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में देखो, एक ये आपसे पूछा गया है रेखांकित पदन्य प्रश्नारायण कुरत। तो देखो, रेखांकित पद में जो दिया गया है इसके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखो, इस प्रकार से आप लोग कर लें इसको पूरा का पूरा, रेखांकित पद को हटाकर आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनके आंसर को देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ और क्वेश्चंस और उन सभी के आंसर को बताता हूँ। तो देखो, इस प्रकार से शायद क्वेश्चन नंबर 16, 17 या 18 में आपको इस प्रकार का एक क्या मिलेगा, आपको एक गद्यांश पढ़ने को मिलेगा और इस गद्यांश को आपको पढ़कर उसी में से आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, देखो पहला लिखा है अस्य गद्यांश शीर्षक लिखा। तो देखो, आपको इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो देखो, इसका शीर्षक क्या होगा, अशिक्षा अथवा ज्ञान। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, दुखानाम मूल कारणम किम। तो देखो, दुख का मूल कारण क्या है, तो देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम अस्ति। उसके बाद में समाजे अनेक विकारा कतम जायते, तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा, अज्ञानात् एव समाजे अनेक विकार जायता। उसके बाद में देखो अगला, के उपद्रवा अस्माकम पीड़ियति। तो देखो, घ नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका उत्तर ये है और पांचवे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। उसके अलावा कुछ और मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेंगे। ये सभी के सभी रिक्त स्थान यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर इनकी संख्या 17 है मगर आपके पेपर में आपको 6 देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और इनमें से आप लोग इनके आंसर को देख लें। ये पहले का आंसर है, दूसरे का है, तीसरे का है, सभी के आंसर्स ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इनके आंसर को नोट कर लें और पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आदोलित्राणी प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखकर। तो देखो, ये जो कुछ और क्वेश्चंस है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखो, बसंत की भवंती, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से देख लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, 16 तो मैंने आपको ये बता दिया, इसके अलावा कुछ ये लिखे हैं। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के उत्तर ये लिखे हैं। यहाँ से आप सब लोग 16 के 16 जो क्वेश्चन है ना, उन सभी के उत्तरों को नोट कर लो, ये आपके पेपर में आपको बिल्कुल ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो देखो, 16 प्रश्न के उत्तर तो ये यहाँ से मैंने आपको बता दिए और उन सभी के उत्तर प्रश्न मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो आप सब लोग इनको देख लें अच्छे से और सभी को समझ भी लेंगे। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उसके अलावा देखो, कुछ और क्वेश्चंस थे उनके उत्तर ये लिखे हैं। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको प्रश्न नंबर 17 में देखने को मिल सकता है, पुराण पश्चिमचित ग्रामे एक निर्धनन वृद्धा स्त्री निस्वत। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे। और देखो, पहला क्वेश्चन, ग्रामे क्या निस्वत, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना, इसी में से कस्मिन ग्रामे एक निवृद्धन नृदी स्वत निस्वत। तो यहाँ से आप सब लोग इसी में से, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, जो आपको गद्यांश दिया जाएगा ना उसी में से आपको उनके उत्तर ढूंढकर लिख देने हैं। तो पहला उत्तर क्या आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन,
दुहिता कृदस आसी। तो देखो दुहिता का क्या उत्तर होगा, यहीं पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ये लिखा है दुहिता विनर्मा मनोहरा च आसीत। उसके बाद में अगला माता पुत्रीम किम आदिश, तो देखो यहीं पर मिल जाएगा माता पुत्रीम तांडुलम पुत्रीम आदिश। तो देखो ये पूरा का पूरा इसका उत्तर होगा, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे इसको क्या आदेश दिया था, सूर्य तपे कग रक्षया किंचिक कल दसम। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख ले, बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, सभी के सभी ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं और सभी के आंसर्स ये यहाँ पर आपके लिखे हैं। और अगर आप लोग चाहे तो इनको याद करो या मत करो, आप लोग पेपर में से भी ढूंढ के इनको लिख कर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिलेगा, मगर आपको सही उसमें ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई सी लाइन उठाई और वहाँ पर लिख दी। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी के लिए एक और आपको दिया गया है, अस्ति हिमान नाम सर्वरत्न भूमि नागेंद्र। तो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि हिमवानस्य सनो उपरी का नाम नगरम विभति। तो देखो यहीं पर आ जाएगा हिमनाम नाम सर्वनाम सर्वरत्न भूमि नागेंद्र। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को ऊपर कानपुर नाम नगरम, तो देखो ये पूरा का पूरा इसका उत्तर होगा, इस प्रकार से आप लोग देख लो। और वैसे भी ये यहाँ पर इनके उत्तर दिए गए हैं, आप लोग चाहे तो इनको भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे अच्छे से और इन सभी को अच्छे से याद भी कर लें। उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे कि ये लिखे हैं तस्य च गृह लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। तो यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुला कीदृश आसीत। तो देखो तुला लोह घटिका आसीत, ठीक है, यहीं पर मिला है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तुला के भक्षियता आसीत, तो देखो तुला मोस के भक्षियता आसीत। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग कम से कम इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। अगला ये लिखा दा नंबर का, तस्मिनेव ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा निस्वत। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस प्रश्न को पढ़ लेंगे और इसको अच्छे से याद भी कर लें। देखो अब इसके उत्तर में आपको बता देता हूँ, उत्तर में आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, तस्मिनेव ग्रामे एक अपरा का निस्वत। तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा अपरा लुब्धा वृद्धा निस्वत। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसके आंसर को देख लें यहाँ से। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, देखो ये भ्रांता वाला है ना, भ्रांता वाला वाला ये बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है, का तांडुलम आसीत। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे और इनके उत्तर ये लिखे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनके उत्तरों को देख लें और सभी के आंसर को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो कुछ और बताता हूँ मैं आपको। अब देखो इसके अलावा आपका जो अगला प्रश्न होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपको पद्यांश देखने को मिलेगा। अब पद्यांश में आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई भी श्लोक दे दिया जाएगा जो कि ये यहाँ पर लिखा है और फिर इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो पहला प्रश्न लिखा, किम यत्ने संदेश कस्मात् क्षणा मानवा हता कहाँ एति याति च। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए गए ना, उनके उत्तर ये लिखे हैं। पहला लिखा है व्रतनम यत्नेन संरक्षेत, उसके बाद में ये वाला, इसके बाद में ये वाला, सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे, ये इनके उत्तर है। और उसके बाद में देखो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये वाला विभन्ति नद्या स्वमेव नाभ्या। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे, यहाँ तक के क्वेश्चंस है सभी के सभी और ये इनके उत्तर लिखे हैं। तो इनको भी आप लोग देख लो यहाँ तक का पूरा और इसको समझ भी लोगे। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, निना दे नवीनामया वाणी विणाम। तो इस वाले श्लोक को आप लोग पढ़ ले पूरा का पूरा और इसमें से फिर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये सभी के उत्तर लिखे हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, सा तदा करुणा वाचो विपंति दुखिदा वनस्पति ग्रंथ दर्श दादा लोचना। तो इसको पूरा का पूरा पढ़ लें, पहला क्वेश्चन ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये है, और इन सभी के उत्तर आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक का मैंने आप सभी को आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस बता दिए हैं। और आपके पास में प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत भाषा का निबंध अगर लिखा हो तो इसको आप लोग जरूर याद कर लो, क्योंकि ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।